अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हिजाब मामला न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भी चर्चा का मौजू बना हुआ है, लेकिन क्या इस मौजू को छेड़ने के पीछे, इस मौजू को उछालने के पीछे क्या साजिश हो सकती है? क्योंकि मामला हिजाब का कहा जा रहा है, लेकिन शुरू हुआ है केसरी शाल से, मतलब केसरी शाल फितने की जड़ थी। खैर, हिजाब मामला बजाय थमने के बढ़ता ही नजर आ रहा है। क्या इसे जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है? क्या इसके पीछे साजिश है? आखिर इतनी अहमियत देने की वजह क्या हो सकती है? अब इसमें ऐसा नहीं है कि महज हुकूमत ही मुलव्वस है, बल्कि इसमें इंतजामिया मीडिया तक शामिल होने की बात कही जा रही है, क्योंकि हर रोज किसी न किसी बात को लेकर मसले को सुलगता रखना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि इसकी साजिश को कोई समझ नहीं पा रहा। खैर, इत्तेहाद मीडिया को भी हिरासा करने की इसी की कोशिश कह सकते हैं। जब तमाम हिजाब के मामलों को दिगर मीडिया सुबह शाम चलाती रहती है, हर जगह की वीडियो को बिना किसी मुकाबले रुकावट के दिखाया जाता है, लेकिन हम पर बारहा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप तमाम को भी इसका इल्म होना चाहिए। पुलिस अफसर हो या आला अफसरान को, इन्हें हुकूमत के फैसलों पर अमल करना पड़ता है। खासकर मामलों को कैसे बढ़ाया गया सभी जानते हैं। जब हिजाब पहले से ही था, पर अचानक हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों को रोक दिया गया, इसकी तहकीक को ही हम नजरअंदाज कर रहे हैं कि अचानक उड़पी की लड़कियों को रोका क्यों गया, मतलब इस मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए और माहौल को आलूदा बना जाए। जब किसी के मजहबी मामलात में दखल अंदाजी होने लगे तो जाहिर है मसला तो होगा ही। लिहाजा आज विजय पैरामेडिकल कॉलेज की एक तुलबा को एक कहते हुए देखा गया कि मुस्लिम लड़कियों का इस तरह हिजाब पर अड़ जाना गलत है। साथ में ये भी उसने कहा कि मुस्लिम लड़कियां टिकटॉक पर वीडियो बनाती है, तब इन्हें हिजाब का ख्याल नहीं रहता क्या? अब इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जो लड़कियां आज हिजाब को लेकर जद्दोजहद कर रही है, वो टिकटॉक वाली लड़कियां नहीं है। और कॉलेज को भी मालूम है कि कितनी लड़कियां पहले से हिजाब पहनती हैं। आज कुछ वालिदैन से इस पर राय जानने की कोशिश की तो पता चला कि इन्होंने इंतजामिया से इतनी ही गुजारिश की कि सर पर महज ओढ़नी या दुपट्टा पहनने की इजाजत दी जाए, लेकिन इसे क्या कहा जाए कि अदालत का फैसला आने तक कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब आपको हिजाब उतार कर ही आना पड़ेगा, ऐसा कुछ कॉलेज वालों ने फरमान निकाला है। अब मजबूरी है कि तालीम हासिल करना या हिजाब उतारना है। और दूसरी तरफ अदालत में फैसला आगे ही बढ़ता जा रहा है। एक और इत्तला के मुताबिक कॉलेज के अंदर तक हिजाब बुरखा पहनने की इजाजत दे दी गई है। क्लासरूम में हिजाब को निकालने की बात कही जा रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि कॉलेज के बाहर जानबूझकर तमाशा किया जा रहा है। सवाल इस बात पर भी उठाना लाजिम है कि किसी कॉलेज के सामने कुछ होने से पहले मीडिया कैसे पहुंचती है? क्या इसमें हुकूमत की मिलीभगत है कि इस मामले को यूं ही सुलगता रखा जाए? जाहिर है यूपी के साथ दिगर 5 रियासतों में चुनाव जारी है। हिजाब मामला अचानक इस वक्त निकलना इसे सियासी मंसूबे की साजिश तो नहीं है? वरना क्या केसरी शाल पहनकर अचानक आने वालों पर कार्रवाई नहीं हो सकती थी, जबकि सभी जानते हैं कि केसरी शाल अचानक पहनी जाने लगी? कॉलेज इंतजामिया इसमें दखल देकर मामले को सुलझा भी सकते थे। अब तो ये मामला आगे बढ़ते हुए कुमकुम और बिंदी, गणेश और सरस्वती पूजा तक जा पहुंचा है। आज टिकटॉक पर बोलने वाली लड़की बिंदी पर पूछे सवाल पर खामोश हो गई, और इसे कैसे निकाल सकते हैं कहा गया, मतलब मजहबी शनाख्त की ही बात कही जाए तो सवाल बहुत सारे खड़े हो सकते हैं। आज बेलगाम जिला के नंदगढ़ और अथनी में भी फिर से केसरी शाल पहनकर माहौल को आलूदा बनाने की कोशिश कुछ नौजवानों की जानिब से की गई। आखिर कितने नौजवानों पर कार्रवाई हुई, ये भी सवाल पूछना होगा। पिछले एक हफ्ते से कॉलेज के गेट पर बुरखा हिजाब उतारने की तस्वीरें देखी गई, क्या यह दुरुस्त था? क्या सड़क पर हिजाब उतारने की वीडियोस को जानबूझकर तो वायरल नहीं किया गया? अब यह कोई ढकी छिपी बात नहीं है कि अचानक नए नए कानून, नए नए उसूल और जब्त किसी एक धर्म को निशाना बनाने के लिए ही किए जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि CAA, NRC, फिर 3 तलाक और अब हिजाब, मतलब एक कौम को किसी न किसी मसले को लेकर उलझा कर रखना चाहते हैं। वैसे भी कई सारी कमीशनें मुस्लिम माशरे की तनाजिल यानी कि पस्ती पर बिठाई गई, और भारत में सबसे पिछड़े समाज के तौर पर मुस्लिम समाज को होने की बात सामने आई है। पर पिछले कुछ अरसे से हिजाब पहनी खवातीन तुलबा मुख्तलिफ महाजों पर कामयाबी के परचम भी लहराती नजर आ रही हैं। तो शायद संघी विचारधाराओं ने मुस्लिम लड़कियों को ही तालीमी मैदान से दूर रखने के तौर पर हिजाब का मामला इतना चला के अब हिजाब उतार कर ही क्लासेस में बैठने की बात कहने लगे। इम्तिहान नजदीक है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस तरह अचानक केसरी शाल का मसला खड़ा करके हिजाब के जरिए मुस्लिम लड़कियों को तालीमी मैदान से ही दूर करने की कोशिश होती नजर आ रही है। और बारह इस पर इल्मी दानिश्वर तस्करा भी कर रहे हैं। जब सालों से हिजाब पहनने की इजाजत थी तो इसे इतना बड़ा मसला बनाना साजिश का हिस्सा ही लग रहा है। मौजूदा भारत कैसे दौर से गुजर रहा है? महंगाई, बेरोजगारी पर तो बोलना गोया जुर्म होता जा रहा है।
और कोई इस पर बोलना भी नहीं चाहता। अब मजीद इंतहा यह है कि अकलियतों के इदारों में भी हिजाब पर पाबंदी लगाने की बात कही जा रही है। पहले तो ऐसे कॉलेजेस जिसमें कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी का कयाम है, ऐसे ही कॉलेजेस को हिजाब पर पाबंदी की बात कही गई थी। टीचर्स का तो इसमें सवाल ही नहीं उठता था, और यही हाईकोर्ट ने अंतरिम फैसला दिया। लेकिन जैसे जैसे माहौल गर्माता जा रहा है, बातें भी बदलती जा रही है। अब छोटे देहात में भी इस तरह की वारदातें पेश आती देखी जा रही है। गोकाक, चिक्कोड़ी, अथनी तक अब मामला फैलता जा रहा है। अजीब अजीब सवाल भी पूछे जा रहे हैं, तालीम चाहिए या हिजाब चाहिए? जाहिर आपको माँ चाहिए बाप की तरह का यह सवाल हो सकता है, जिस पर तुलबाओं ने भी कहा है कि हिजाब भी चाहिए और तालीम भी चाहिए। लिहाजा कई तुलबाओं ने हिजाब के लिए कॉलेजेस छोड़ने की भी बात की। अष्टमकुर की लेक्चरर जो JNPU कॉलेज में पढ़ती थी, हिजाब पर सख्ती करने से नौकरी को ही छोड़ दिया और कहा कि मेरे गैरत मुझे बिना हिजाब के नौकरी करने की इजाजत नहीं देती। मतलब कुल मिलाकर हिजाब पर पाबंदी की कहानी पहले से ही तयशुदा है और हुकूमत बड़े ही मुनज्जम अंदाज में आगे बढ़ा रही है। अफसोस तो ये कि ये भी मामला है कि हमारे इल्मी दानिश्वर या फिर सियासी रहनुमा कहीं पर नजर नहीं आ रहे। क्यों बेबाकी के साथ अपनी आवाज को नहीं उठा रहे? ये मसला जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, सिर्फ एक समाज को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, इतना तो सच है। लेकिन जो दिगर अपने आप को सेक्युलर कहने वाले लोग खामोश क्यों हैं, जबकि आज इस मुल्क का अहम मसला हिजाब नहीं बल्कि भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई और दिगर मसाइल है। CAA, NRC, 3 तलाक और हिजाब के बाद क्या नया मंसूबा मुसलमानों के खिलाफ अंजाम देने वाले हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। आज कांग्रेस भवन में KPCC के सदर सतीश जारकीहोली ने भगवा परचम को लेकर जो बयान ईश्वरप्पा ने दिया था, उस पर ऐवान में हंगामा चल रहा है, दिन रात का एहतजाज जारी है, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। साथ में हिजाब पर भी उन्होंने कुछ कहा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ಭಾರತ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ಪಳೆ ಕಾದು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಕ್ರಮ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಚಾವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗೂ ಬಯಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರದು ಬಸವರಾಜ್ ಅವ್ರದು ಆದಿಕೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಕೂಡ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರವರೆಗೆ ಶಾಲಾಕ್ ಅವ್ರು ಎದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋರಾಟ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೋರಾಟ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವರ್ಣ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಅರಿವು ಆಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಸ್ವಂತಕ್ಕೇ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಧ ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಇದೆಯೋ. ಸೊ ಆದ್ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ತನಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂದು CAA ಏನ NRC ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ